सबको अंदर करो पहले। ये स्वास्थ्य विभाग की टीम आई थी, साथ में जो उनको पुलिस बल दिया गया वो भी साथ में था, और एक बुजुर्ग महिला थी उसको मेडिकल के लिए ले जाना था। उसके बाद में कुछ लोगों ने विरोध किया, और विरोध के बाद में यहाँ पर जो काफ़ी लोग जमा हो गए थे, और पुलिस बल पहुँच गया है, यहाँ पर समस्त पुलिस अधिकारी है, और किसी तरीके की मतलब जो भी बात थी उनके द्वारा बोला गया कि यहाँ पर जब भी कोई किसी को ले जाना हो तो इनको पहले बताया जाए, उसके बाद में ले जाएगी। बैरिकेडिंग तोड़ी हुई है और पथराव भी किया गया है, इस दोनों चीज़ों पर पुलिस अलग से संज्ञान लेगी। रविदासपुर कोने पर पूरा पानी भरा रहा था, हम वहाँ काम कर रहे थे, डिवाइडिंग से पानी खिंचवा रहे थे, और ड्रेनेज का पानी पूरा रोड पे फैल रहा था। हम पानी खिंचवा के और वहाँ से बस हम काम ही कर रहे थे, हमें लोगों ने वहाँ से मार के भगाया। नहीं तो हम लोग वही जो स्क्रीनिंग के लिए हमें जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट ने बोला था उसके लिए हम लोग गए थे वहाँ पे। हम लोग 3 दिन से मैं और डॉक्टर जाकिया जा रहे हैं, डेली स्क्रीनिंग कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं। आज भी हमको पॉजिटिव के कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री मिली थी तो हम वहाँ गए थे देखने के लिए। बस उन्होंने आए, हम लोग ने जैसे ही पूछना शुरू किया पत्थर फेंकना शुरू कर दिए दोनों। मैं और ये डॉक्टर जाकिया, हम दो टीम डॉक्टर थे और हमारे साथ ANM और वो थे आशा कार्यकर्ता, साथ में तहसीलदार सर भी थे, वो अच्छा हुआ, और पूरी स्पोर्ट्स भी थी, सो दैट्स व्हाई हम लोग बच के आ गए। मैं वार्ड 68 की आशा कार्यकर्ता हूँ, फिजा फातिमा जी, और मैं वार्ड 68 पूरा देखती हूँ। यहाँ ना कोई यहाँ पे हायर वैक्सीनेटर है, कोई परमानेंट ANM नहीं है, तो जो मुझे निर्देश दिए जा रहे हैं ऊपर से जी, हमारे ऑफिस से NRHM से, वो कार्य हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। अच्छा, तो जो हमारे वहाँ के जो अब्दुल हामिद, इसमें कंफ्यूजन हुआ था फर्स्ट डे, तो हमारी टीम आई थी यहाँ पे, हमें निर्देश दिए गए थे 128 सिलावटपुरा रानीपुरा, जिसमें अब्दुल हामिद नाम का एक पेशेंट था जो मयूर हॉस्पिटल में जिसकी डेथ हुई थी, उसके रिश्तेदार यहाँ पे रहते थे, तो उनका ये कहना था कि ये हमारे परिवार से नहीं है। एक अब्दुल हामिद है 65 इयर्स के, जिनके MY में डेथ हुई थी, वो गुलरेज पठान के फादर हैं। उनका ये कहना है कि ये जो भी करवा रही हूँ एरिया में, मैं करवा रही हूँ। अब मुझे तो ऊपर से ऑर्डर मिल रहा है, तो मैं तो बहुत निचले तबके की इंसान हूँ कि मैं आशा वर्कर हूँ, तो मैं कैसे करवा सकती हूँ सर? सही बात है। और मुझे प्रॉपर उनसे, उनके परिवार वालों से उनसे धमकी मिल रही, मेरे भाई को मुझे